मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूँ प्रियंका सिंह। आज मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के पास के ही एक स्मॉल जंगल में, और आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस जंगल का ये एंट्री ब्रिज है, ये वुडन का पूरा ब्रिज है। दोनों ही साइड आपको डैम के पानी दिख जाएंगे। तो हम जंगल के अंदर जाते हुए पूरा फिल्मी स्टाइल का जंगल है। तो यहाँ पे चार अलग अलग तरफ जाते हुए रास्ते हैं, जिसमें से आपने एक भी रास्ता गलत चूज़ किया तो आपकी मूवी रॉन्ग टर्न बन जाएगी। तो कृपया करके ध्यान से रास्ता पिक करें और आगे बढ़े। तो हम लोग ने ये रास्ता पिक किया है, चलिए देखते हैं इस रास्ते का मंजिल क्या मिलता है हमें और सफ़र पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ में हम आपको भी दिखाते हुए चलेंगे। क्या आप देख सकते हैं, मकड़ियों के जाले वाला पेड़ हमें यहाँ पे मिला। चलो भाई, बट बहुत सारे कीड़े भी हैं इसमें। फिर से हमारे पास तीन रास्ते हैं, जिसमें से हमें एक सही रास्ता चूज करना पड़ेगा ताकि हम अपनी मंजिल तक जाए, नहीं तो हमारा रॉन्ग टर्न बन जाएगा। देखिए फिर हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं और पहुँचते हैं आगे तक। ये तीन रास्ते हमारे पास हैं, तो हम ये लेन चूज करते हुए इस साइड हमारी गाड़ी चल पड़ी है आगे। आइए देखिए हमें क्या मिला। ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लोग गाड़ियों पार्क के लोग यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं। ये गुफाओं वाला रास्ता है, और आगे पे आके खड़े हो गए हैं। चल चलते हैं। डरावना भूतिया जैसा लग रहा है, थोड़ा ब्राइट है, तो इस साइड चल पड़े हम लोग। जो लोग यहाँ के हैं, यहाँ पे आसपास रहते हैं एम्स्टर्डम के, वो लोग मुझे बताएं कि कौन सी जगह है जो हम लोगों ने ढूंढी है। तो देखते हैं आपके गेसेस कहाँ तक पहुँचते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सी जगह है, फिर हम आपको बताएंगे कौन सी जगह है। बाकी लोग ताकि आप भी अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। बाकी लोग भी गेस करें। हाँ, बाकी लोग भी गेस कर सकते हैं, जिनको भी समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए हम लोगों को। खरगोश, ये पहला बर्ड हाउस है जो हमने देखा अभी तक जंगल में, छोटा सा बर्ड हाउस है। तो अब हम लोग धीरे धीरे डैम के पास पहुंचते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लू वाटर दिखना शुरू हो गया यहाँ से। तो हम लोग जस्ट 2 मिनट वॉकिंग की दूरी पे हैं। यहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे।
क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सनी डे है आज। ये शाम के 8 बज रहे हैं यहाँ पे और सन पूरा ऊपर है, सनसेट का नाम निशान नहीं है आसपास। काफ़ी लंबा दिन होता है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा पार्क है जहाँ पे आप वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लोग आते हैं, अपने डॉग्स के साथ आते हैं। जानकारी चाहिए या कुछ और आपको पूरा करना है तो प्लीज़ कमेंट करें।